नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल सर्विस। तो अभी हम देहरी ऑन सोन में हैं। ये सोन नदी के जस्ट ऊपर यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड मॉल है और इसी के ऊपर हम लोग 40 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम जो बैटरी बैंक है उसके साथ साथ हम लोग यहाँ 36 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर भी लगा रहे हैं, गैलेक्सी वाला। इसमें 12-12 किलोवाट का 3 इन्वर्टर है, उसको हम लोग पैरेलल करके उसको 36 किलोवाट बनाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे लिथियम बैटरी जो है 6 पीस लगा रहे हैं, उसको भी पावर बैंक बनाया। जो हम लोग सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं वो पूरा 40 किलोवाट का है और वो भी 540 वाट का पूरा 75 पीस लगा रहे हैं। और इसका हम लोग कनेक्शन किए हैं कैसे, जैसे कि यहाँ आपको जो पूरा एरिया दिख रहा है इसमें हमने 36 प्लेट लगाया है, उसके बाद इसके नीचे में 3 सेट पे 36 प्लेट लगाया है, उसके बाद 3 पीस और दूसरे जगह लगाया, चूँकि अलग अलग जगह पर एरिया की कमी की वजह से जो जो एरिया हमको मिला है मतलब 3 डिफरेंट एरिया में हम लोग 40 किलोवाट का प्लांट लगाया है। और ये प्लांट का वायरिंग, उसके साथ इसका इंस्टॉलेशन, उसके साथ इसमें कितना कॉस्ट लगा है, इस पर क्या क्या हम लोग रन करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा 7 फ्लोर का ये पूरा होटल है, पूरी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए जो यूज़ होने वाला है वो सारा अप्लायंस इसमें चलने वाला है। उसके बाद इसका वायरिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसका इंस्टॉलेशन और वायरिंग ही था, क्योंकि एक प्लेस नहीं है, ये रूफटॉप में दिख रहा है, उसके बाद 3 सेट है, उसके बाद फिर से रूफटॉप है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, मतलब पूरे प्लांट 3 भाग में डिवाइड हुआ है और सबका वायरिंग एक जगह लाना है, उसका फिर वायरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद इन्वर्टर को पैरेलल करना है, बैटरी को पैरेलल करना है। ये सारा चीज़ आप इस वीडियो में देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत लोग को डर लगता है कि हम हाइब्रिड प्लांट लगाए ना लगाए, लिथियम वाला बैटरी इन्वर्टर लगाए ना लगाए, नया है तो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये वीडियो से आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा प्लांट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए ये प्लांट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हर जगह एक ही चीज़ का प्रॉब्लम रहता है, वो है कि सोलर की साफ सफाई। यहाँ ये लगाया हुआ एक महीना का एक वक्स होने वाला है और देख रहे कितना ज़्यादा गंदगी पड़ गया। इसका कारण ये है कि पास में ही जीटी रोड है और वो धूल कण एनी टाइम उड़ता रहता है, जिसकी वजह से देख रहे एकदम बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है। और अगर इसी को साफ़ सफाई नहीं करेंगे, हम हर वीडियो में साफ़ सफाई के बारे में इसलिए बताते हैं सोलर का, खास करके सोलर की साफ सफाई इसी वजह से। अगर इसका प्रोडक्शन अभी अगर हम मेजर करें तो इसका लगभग हमको 60% ही मिलेगा, लेकिन अगर इसको अभी जस्ट साफ़ सफाई कर दें तो हमें यही 80% हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का दो ही मेन मोटिव पॉइंट है, एक तो कि ये हाइब्रिड प्लांट है, तीनों इन्वर्टर जो है एक साथ जुड़ जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा, वो पैरेलल सेटिंग दिखलाएंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम नेट मीटिंग नहीं करते हैं तो क्या हम सोलर जो एक्सपोर्ट करेगा उस पावर को क्या यूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ दिखेगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे, ये तो हाइब्रिड प्लांट है, जो यूजेज होगा मतलब जितना लोड चलता रहेगा उतना तो हमारा यूज करेगा ही, बस बैटरी को चार्ज करेगा ही, बैटरी चार्ज होने के बाद जो पावर बचेगा और जो यूज नहीं हो पाएगा तो एक्सपोर्ट यहाँ ऑन करके रखेंगे, जो एक्सपोर्ट होगा वो फिर हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर उसको यूज नहीं, अगर उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे मीटर में जुड़ के आएगा, मतलब बिजली बिल बढ़ा देगा, लेकिन वो बिजली बिल नहीं बढ़ाएगा फिर उसका यूटिलाइज कैसे कर लेंगे, वही इस वीडियो हमको दिखेगा, वो यहाँ करने वाले हैं। इट मीन्स कि सिटी लगा करके उससे पहले हम लोड जोड़ेंगे, जहाँ पे सिटी लगाएंगे उससे पहले हम लोड जोड़ेंगे और जो पावर ये सोलर एक्सपोर्ट करेगा उसको हम यूज कर लेंगे, सिटी से पहले ही उसका कनेक्शन करके उसका हम यूज कर लेंगे, वो इस वीडियो में दिखेगा। और वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का और इस प्लांट का, कि हम बिना नेट मीटरिंग के भी इस सोलर पावर का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप भी इस तरह का प्लांट लगवा सकते हैं और कहीं भी बड़ा से बड़ा प्लांट लगा करके इसका फायदा उठा सकते हैं बिना नेट मीटरिंग के। थैंक यू। तो सोलर प्लांट लगाने में सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किस जगह पे करना है और क्या क्या उसका मापदंड होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिए चलते हैं और देख रहे हैं कि रात का टाइम है और रात में हमारा जो कंटेनर है सोलर मॉड्यूल का वो आ गया है वाड़ी का। और इस पैलेट के अंदर सोलर मॉड्यूल कौन सा है, 540 वाट वाला मोनोपर हाफ कट जो आता है वो वाला है, ठीक है। और इसकी वारंटी कितनी है, 27 साल की, ये इस पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है सब कुछ। और ये अपना वो रूफटॉप है जिसमें हमें सोलर इंस्टॉल करना है 36 प्लेट, तो उसके अनुसार हमको यहाँ पर डिजाइन कर लेना है। और ये जो बाउंड्री वाला भी देख रहे अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है तो ये 2.5 फीट जाने वाला है, इसका मतलब कि हमारा जो सोलर का स्ट्रक्चर होगा वो 3 फीट से ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। और देख रहे हैं कि सामने में टावर भी है तो यहाँ पे लाइटिंग रेस्टर का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग लाइटिंग रेस्टर लगाएंगे और इनका एक पर्सनल लाइटिंग रेस्टर भी सामने में लगा हुआ है, वो आपको आगे दिखलाएंगे। इस प्लांट पे अर्थिंग की बात करें तो यहाँ हमने टोटल 4 अर्थिंग दिया है,
तीन मीटर वाला, ठीक है। और जो तीन मीटर वाला रॉड आता है वो हमने यहाँ लगाया है। इस अर्थिंग में भी एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो है वायर। और चूंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वायर यूज किया है वो है 6 mm and 10 mm। तो जो 10 mm वायर है वो अरेस्टर के लिए जाएगा और जो 6 mm है वो इन्वर्टर और ACDC बॉक्स में कनेक्ट होगा और स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये है अपना 6 mm का वायर जो इन्वर्टर सबसे कनेक्ट होगा, और 10 mm का वायर है वो जाएगा अपने अरेस्टर के लिए, ठीक है। और ये देख रहे तीन जो वायर है वो अपना इन्वर्टर के लिए है प्रॉपर, और एक जो ये जो वायर है ये 10 mm का है, ये अपना अरेस्टर के लिए है। और सब में ये देख रहे अर्थ फिट भी लगा रहे हैं और पूरा प्रॉपर वायरिंग भी कर रहे हैं, पूरा फिनिशिंग से आ चुकी है। एक बार लगा के चले जाएंगे तो फिर ये लॉन्ग लाइफ के लिए है। और इसमें केमिकल भी डाल रहे हैं और केमिकल डालने के बाद इसमें पानी भी डाल के उसको अंदर फिट कर देंगे। चूंकि इनका कहना था कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें माटी का लेयर और आएगा, फिर इसमें फिनिशिंग भी होगा तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग अर्थ फिट प्रॉपर बना के दे रहे हैं ताकि अगर कुछ चेक भी करना हुआ तो इसको ढक्कन हटाएंगे, आप इसमें कुछ भी चेक कर सकते हैं या कुछ इसका मेंटेनेंस करना हुआ तो कर सकते हैं। तो इसलिए अर्थ फिट लगाना जरूरी है क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन है, आपको पूरा एरिया आपको दिखलाते जा रहे हैं। और यहाँ जो भी वर्क कर रहे हैं वो लग के थ्रू कर रहे हैं ताकि कुछ भी लूज ना रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लग लगाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया। देख रहे केमिकल डाल रहे हैं उसमें पानी डाल के उसको पूरा फिट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात है पाइपिंग का। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ अर्थिंग का जो टोटल 4 वायर है वो एक ही पाइप के साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा गलती नहीं किया है क्योंकि अरेस्टर का वायरिंग अलग होना चाहिए। तो उसका देख रहे अलग से पाइप है और जो टोटल 3 अर्थिंग है जो इन्वर्टर के लिए जा रहा है टोटल प्रॉपरली वो अपना अलग है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट है। और अब देख रहे कि हमारा जो टीन शेड है वहाँ भी हम स्ट्रक्चर लगाना शुरू कर चुके हैं और यहीं से पैनल लगाना भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे लिए थोड़ा ईजी है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर रूफटॉप में। तो यहाँ पर हम ये पूरा स्लोप है साउथ की तरफ, तो इसमें तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो पीछे है वो नॉर्थ की तरफ है उसमें हमें स्ट्रक्चर लगा करके हाइट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी जाने वाली है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोलर लिफ्ट करते जा रहे हैं, इस पर सोलर इंस्टॉल करते चले जा रहे हैं। अगर हम यहाँ चाहते तो जो शॉर्ट रेल आता है वो भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसका ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे शॉर्ट रेल ना यूज करके लॉन्ग रेल यूज किया है, मतलब पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर यूज किया है। और यहाँ पे जो पीछे में स्ट्रक्चर बनाना जिसमें हाइट देना था उसका हमने किस तरह से डिजाइन किया पुत्र वो दिखला देते हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए इसका स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड में देख रहे हैं 2 जेहुक लगा हुआ है पीछे से, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो रेलिंग दिया गया है इधर से उधर करकट बिछाने के लिए उस पर हमने इसको फंसाया हुआ है, मतलब नीचे से भी इसको पूरा बढ़िया सपोर्ट मिला है, मतलब ये कभी उखाड़ेगा ही नहीं, अभी भी हिलता ही नहीं है। और पीछे में देख रहे 3 रो है और आगे में 3 रो है, तो इन तीनों रो को हम फिर से साफ सफाई भी करना होगा, बाद में मेंटेनेंस भी करना होगा। तो उसका हमने क्या ध्यान रखा है, तो देख रहे इधर से 2 पैनल के बाद बीच में गैप छोड़ा हुआ है और फिर इधर 4 पैनल है, ये मतलब कि ये पूरा सिक्वेंस चला गया है, ठीक है। यहां भी देख रहे हैं गैप छोड़ते जा रहे हैं और पीछे में जो हाइट किया वहां भी गैप छोड़ा हुआ है। यहां पर आपको देखने में थोड़ा कंजस्टेड लग रहा हो कि आपने कितना ज्यादा सोलर लगा दिया है, लेकिन कस्टमर का डिमांड था इसके वजह से। और एक दूसरे पे छाया भी ना आए उसका भी हमने ध्यान रखा है, तो मतलब पीछे में जो गैप है वो प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, 3-3 फीट का गैप दिया हुआ है ताकि इसका छाया उस पर ना पड़े। और इसको फिर देखते भी रहेंगे, कुछ होगा तो फिर चेंज करेंगे। सोलर लगा लिया है, अब जो हम लोग को सोलर लगाना है वो लगाना है इस पे, देख रहे स्ट्रक्चर लग गया है। अब इस पे सबसे मेन है कि लिफ्ट कैसे करें, मतलब उस पे चढ़ाए कैसे सोलर, तो उसके लिए हमने जुगाड़ लगाया है, आपको दिखलाते हैं वो जुगाड़ है क्या आखिर। तो ये भी सोलर ला रहे हैं और उसको लेकर वहीं पे जाइए, वहाँ पे खड़ा रहिए, वहीं पे जाइए ना, पटरी पे, पटरी पे ना, हाँ सेम टू सेम ऐसे ही जाइए, जाइए 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 ऐसे ही चले जाते ऊपर से, हाँ वहीं पे लेके रखे रहिए बस बस। अब देखिए ऊपर से रस्सी आएगा, नीचे गिराया जाएगा, अब ये आ गया रस्सी, ये एक रस्सी है, एक दूसरा रस्सी और आएगा और उस रस्सी के साथ तार भी है और वो क्या है आपको बतलाते हैं। इसको सीधे ऐसे बाहर कर देना है, उसके साथ जो तार है ना वो तार भी दे दीजिए ताकि वो बनाएगा फिर से, समझ गए। अभी आपको दिखलाते हैं ये जोर ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है, टाइट हो गया। अब यहाँ पे होल है, अब इस होल में यहाँ पे तार से इसको बांध देंगे ताकि ये खसकेगा नहीं। सेम वहाँ पे भी एक साइड करेंगे, फिर वहाँ भी सेम तरीका अपनाया जा रहा है, अब लिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पे तार बांध दिया, सब कुछ सेफ है। अब इसको अब लिफ्ट किया जा रहा है आसानी से, यहाँ से पहले सावधानी से ऊपर लेके गए और फिर वो लोग ऊपर से खींच लेंगे आराम आराम से, जाते जाइए जाते जाइए, आप आरामी से खींचिए, ऊपर में बस ध्यान दीजिएगा कि उसमें टकराए नहीं बस। देखिए इस तरह से पूरा लिफ्ट इजीली लिफ्ट हो गया, कोई किरान की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जहाँ भी थोड़ा मुश्किल वर्क होता है वहाँ पर हम लोग यही तरीका अपनाते हैं सोलर पैनल यानी कि लिफ्ट करने के लिए। इंस्टॉल तो हम लोग अच्छे से कर ही लेते हैं।
सोलर तो ऊपर हमने लिफ्ट कर लिया है, अब इस पर इंस्टॉल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना है कि इसके बाहर नहीं निकालना है, इसके पीछे में थोड़ा बाहर ले सकते हैं जैसा कस्टमर का डिमांड है। और देख रहे हैं कि सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद इसमें हम लोग लगा रहे हैं, फास्टनर तो किया ही था लेकिन सिविल वर्क जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसे सोलर नहीं लगाया। अब जब सब कुछ कंप्लीट है तो सोलर लगाना शुरू कर रहे हैं। और इस रूफ टॉप में देख रहे हैं टोटल दो शेड है, एक आगे में एक पीछे में, और आगे को एकदम आगे ले लिया और पीछे को एकदम पीछे ले लिया क्योंकि जगह ही उतना ही था। देख रहे हैं यहाँ पे जगह बहुत कम था और ये वाल थोड़ा हाइट कर दी जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई, हम आगे ले नहीं सकते थे और हाइट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब आठवें मंजिले पे हम लोग हैं। जी आई का अपना मीट क्लैंप है और इंट क्लैंप है और जो भी हम लोग लगा रहे हैं एकदम लाइनिंग में लगा रहे हैं और एक लाइन टोटल 9 है, फिर से 9, फिर अगला 9, फिर अगला 9, मतलब टोटल 36 पैनल इस अपने इस रूफ टॉप में लगा रहे हैं। अब रही इसके साफ सफाई की बात, तो ये पीछे में जगह यहाँ पे चढ़ करके इसका साफ सफाई किया जा सकता है। और इसका इंक्लिनेशन हमने कितना दिया है, 14 से 15 डिग्री दिया है। एंड इसके पैरेलली हम लोग इन्वर्टर एंड बैटरी भी इंस्टॉल कर लिए हैं क्योंकि पैनल बॉक्स जो है इलेक्ट्रिक वाला उसके बाजू में जो जितना जगह मिला है उसी में हमको लगाना था। और ये इन्वर्टर थोड़ा हैवी हो रहा है इसकी वजह से देख रहे हैं हैंग करने में थोड़ा दिखते जा रहा है। और ये जो बीच में गैप बचा हुआ है वहाँ पे हमने डीसी बॉक्स लगाया है, मतलब जो सोलर का तार ऊपर से देख रहे हैं पाइप के थ्रू आया है, जस्ट नीचे में हमने 3 डीसी बॉक्स लगाया है, तीनों इन्वर्टर के लिए अलग अलग है। इस सब का जो वायर है वो बहुत ज़्यादा घौंच मज न हो जाए इसकी वजह से हमने पीवीसी ट्रे का यूज किया है और वो भी 45 mm वाला, और उसको पूरा अच्छे से अरेंज करेंगे ताकि वायर कहीं से भी लटका हुआ ना रहे। मैंने बैटरी को ऑन किया है तो ये है 50% SOCM है, इसका SOC है 50%, ठीक है। उसके बाद इसका भी 50% है, इसमें कितना है 94% है, ठीक है। इसका कारण बता दें आपको, उसके बाद इसका कितना है 50% है, इसमें कितना है 50% है, मतलब एक बैटरी में ज़्यादा SOC है, 94% है। तो क्या हो रहा है, जैसे कि सबका कनेक्शन सबको मैंने पैरेलल कर लिया है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये माइनस में एम्पियर देना शुरू कर दिया है, मतलब कि ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, देख रहे हैं ये इसका SOC डाउन होना शुरू हो गया है और इस सब में चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी को इक्वलाइज कर रहा है, सभी में चार्ज हो रहा है सबको देख रहे हैं, सब में SOC इंक्रीज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है सब में और उसमें डिस्चार्ज हो रहा है, देख रहे हैं सब में चार्ज हो रहा है और ई वाले में डिस्चार्ज हो रहा है, ई वाले में देख रहे हैं, मतलब इसको इक्वलाइज कर रहा है। तो इस पैनल का VOC आपको दिखाएंगे या फिर वहाँ इन्वर्टर जो लग गया है उस पर आपका इसका परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी सोलर पैनल बहुत ज़्यादा गंदा है, ये तो आपको थोड़ा साफ भी दिख रहा है लेकिन वो सब पैनल बहुत ज़्यादा गंदा है, देख रहे हैं कितना गंदा है, वो सब बहुत ज़्यादा गंदा है। इतना दूरी ट्रैवल करके इतना ज़्यादा वायर यूज हुआ है, अलग अलग डिस्टेंस पे लगा है, तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा स्ट्रिंग पे कितना लॉसेस है, ठीक है, क्योंकि हर वायरिंग में थोड़ा थोड़ा लॉसेस होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पे लगा हुआ है, तो हमें ये भी चेक करना है कि किस स्ट्रिंग में कितना लॉसेस है। ये वाला सेट और वो वाला सेट मिला करके 13-13 का स्ट्रिंग बनाया है और वो वाले सेट से जो ऊपर में लगा है उस पर हमने 12-12 का स्ट्रिंग बनाया है, तो टोटल 12-12 का 3 है और यहाँ पर टोटल 13-13 का 3 स्ट्रिंग है, इट मीन्स कि 6 स्ट्रिंग है। तो हम वहाँ पर आपको चेक करके दिखलाएंगे कि उधर से जो 13-13 का स्ट्रिंग आया है और ये जो जुड़ करके उसमें जुड़ा है, ये जो 13 का स्ट्रिंग बना है, उस तीनों में कितना डिफरेंस है और फिर उस 12-12 में कितना डिफरेंस है, ये भी देखना ज़रूरी है। और वो थोड़ा अगर साफ हो जाएगा तो कितना परफॉर्मेंस देगा, तो उसमें कुछ पैनल को हम लोग साफ करके भी आपको दिखलाएंगे। और अभी चूंकि अभी 10 बज गया है तो 10 बजे और अभी देख रहे हैं कि इसका कितना धूप पड़ रहा है और इस टाइम इसका VOC और ISC क्या है दिखलाते हैं आपको। तो अभी इसको हमने VOC पे सेट कर लिया है, वोल्टेज पे सेट कर रखा है और ये कितना पे है, 100 एम्पीयर पे है ना, 100 पे नहीं रखिए, 200 पे रखिए, 200 काफ़ी है, 200 DC वोल्टेज पे है, ओके। अब लगाइए, अभी वोल्टेज जो दिखा रहा है कितना है, 45.88 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। अब IS चेक करते हैं, हमने एम्पियर पे सेट कर रखा है 20 एम्पियर पे और अभी हमें टेस्ट करना है कि अभी इसका IS क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेट हो गया, अब उसको प्लस में टेस्ट लगाइए कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 8.57 एम्पियर आ रहा है, चलिए ठीक है निकालिए। दूसरे पैनल का हमें सिर्फ IS टेस्ट कर ले, चूँकि VOC तो उतना ही सेम रहने वाला है, बस IS में डिफरेंस आएगा। तो IS फिर दूसरे पैनल का चेक करते हैं, लगाइए ये भी आ रहा है 8.41 एम्पियर, मतलब लगभग दोनों के आसपास दोनों सेम है, बस जो थोड़ा ज़्यादा गंदा है निकालिए वो थोड़ा कम दे रहा है, जो थोड़ा साफ है वो मतलब थोड़ा ज़्यादा एम्पियर दे रहा है, बस लगभग सब सेम है। चलिए चेक करना है कि जैसे कि वो वाला जो देख रहे हैं वो डबल सेड में है, डबल स्ट्रक्चर है, मतलब डबल रो वाला स्ट्रक्चर है, तो उसका जो स्लोप है थोड़ा कम है, लेकिन ये सिंगल रो वाला स्ट्रक्चर है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, 24 डिग्री पे है, आपको दिख रहा है ये अपना 24 डिग्री पे है।
पूरा जो डीसी बॉक्स लगा हुआ है, इस डीसी बॉक्स में हम लोग चेक करते हैं कि ऊपर से जो भी स्ट्रिंग आया है उस स्ट्रिंग का कितना डिफरेंस है, उस हर स्ट्रिंग में कितना कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है। वो डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि एक तो गंदा है सोलर और दूसरा कि उस पर वायर ज़्यादा यूज हुआ है, तब वही डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, चलिए तो पहला स्ट्रिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें आ रहा है 576.5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट में कितना आ रहा है, इसमें 581.8 वोल्ट। ठीक है, ये सब वायरिंग की वजह से हो रहा है, जो ज़्यादा वायरिंग हुआ है उसमें उतना का ड्रॉपेज है। अब यहाँ से 12 पैनल का स्ट्रिंग है तो यहाँ पे 547.1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये 12 पैनल का स्ट्रिंग है, ये सब ये है 544.9 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 544.9 वोल्ट, ये भी मतलब ये दोनों सेम है, मतलब ये ऊपर का वाला स्ट्रिंग है, ऊपर से आया है। ठीक है, ये आसपास का है, इसमें ज़्यादा वायर यूज नहीं हुआ है, दोनों सेम वायर है तो दोनों का वोल्टेज सेम है। और उसमें थोड़ा सा एक वोल्ट का डिफरेंस है, मतलब छत वाला जो है उसमें मात्र 1 से 2 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि लंबा लंबा वायर यूज हुआ है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, हो गया, चूँकि हमारा स्ट्रिंग जब चेक हो गया है सबको क्लोज कर लेते हैं। अब फ्यूज उसमें लग गया है, अब हम इसको रेडी करेंगे। ठीक है, अब लगा इसका बॉक्स लगा दीजिए, सबका अर्थिंग उर्थिंग सब कनेक्ट है, लग के साथ कनेक्ट है, सभी का कनेक्शन लग के थ्रू ही किया है, कहीं से भी आपको अटपटा नहीं दिखेगा। स्ट्रिंग हमने बनाया उसमें हमने सिर्फ 4 mm वायर ही यूज किया है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि जो बैटरी का स्ट्रिंग बना है तो ये तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए 25 mm का वायर यूज किया है, लेकिन जब टोटल वायर जब यहाँ तक जुड़ गया तो मेन बैटरी से हम यहाँ से 50 mm का तार यूज करके ले गए हैं। ठीक है, और उसमें जो लग लगा है वो 75 mm का है, और 50 mm के तार से इसको हमने जोड़ा है ये बैटरी बस बार में, और यहाँ से फिर तीनों इन्वर्टर को जोड़ा है। ठीक है, अब वो 35 mm के वायर से जोड़ा है तीनों इन्वर्टर को, तो हर जगह अलग अलग टाइप का वायर यूज किया है, जिस कैपेसिटी का उसमें लगेगा उस कैपेसिटी का। ठीक है, और उसके बाद इसका कम्युनिकेशन केबल एक दूसरे से जुड़ा है ताकि इसे पैरेलल कर सके, और अब इसका इनपुट और आउटपुट जो करेंगे वो 10 mm के वायर से करेंगे। ओके, बिजली खूब दिया हो नवा जब तक रहेगा मालिक के आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए बाबू, कौन सा शिकायत ना हो के, हां बाबू छुए के ना पड़े, छुए के ना पड़े, बिल्कुल वो अपना सब, हां उनका याद है मतलब, हां इतना दिया कि बारिश से मीटर से ना ले पड़े, मालिक को बिजली मिलना तो बिजली मिलना चाहिए। जय श्री राम। अब यहाँ पे इन्वर्टर का इनपुट और आउटपुट की वायरिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि तीनों इन्वर्टर से चार चार तार निकलने वाला है, और वो तार है 10 mm का, तो यानी कि ये जो वायर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए हमने फिर से अलग से ट्रे लगाया है और उसको लेके जा रहे हैं अपने जो पैनल बॉक्स है इलेक्ट्रिक का उसके पास, और देख रहे 10 mm का वायर यहाँ पे ला लिया है और सबको, और ये जो MCB लगाया है ये 63 ampere का, और इससे हम इनपुट ले रहे हैं इन्वर्टर के लिए। ठीक है, ग्रिड का इनपुट ले रहे हैं, और ये जो MCB है इस MCB में इनपुट कहाँ से दिया है, तो नीचे से तार एक ही आया है और वो चला गया है डायरेक्टली चेंजर में। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक चेंजर है, और इस चेंजर में एक इनपुट तो हो गया ग्रिड का, और दूसरा इनपुट होगा अपना ये इन्वर्टर से जो आया है, मतलब इन्वर्टर का जो आउटपुट हो गया वो इस चेंजर का इनपुट हो जाएगा, और इसका जो आउटपुट है वो लोड में चला गया है। ठीक है, मतलब इसके थ्रू जो डायरेक्टली लोड चलेगा या तो वो ग्रिड से चलेगा या फिर सोलर चलेगा, और ये ऑटोमेटिक है और मैनुअली भी है, तो इसको सेट कर सकते हैं। और इन्वर्टर से जो तीन तीन तार आया है तीनों इन्वर्टर का एक एक, उसको एक जगह कंबाइन कर रहे हैं, एक ही लग में डाल करके उसको प्रेस कर रहे हैं ताकि अलग अलग तार भी न रहे और बाद में मेंटेनेंस के टाइम कोई कन्फ्यूजन भी न रहे, और फिर इनपुट में भी वही कर रहे हैं, मतलब तीन तीन तार है तो तीनों तार को एक साथ लग में लगा कर उसको प्रेस कर लिया अंदर में। ठीक है, और इस चेंजर में हमें अब इन्वर्टर का आउटपुट कनेक्ट करना है, तो एक तो इनपुट है ग्रिड का और दूसरा हो गया इन्वर्टर का आउटपुट, तो यहाँ पर जोड़ रहे बढ़िया से। और आप सोचिए कि इन्वर्टर का जो आपने इनपुट लिया है ग्रिड का वो कहाँ से लिया है, तो देख रहे जो ग्रिड का इनपुट आया है इस चेंजर में वहीं से एक कॉमन करके इस MCB में डाल दिया नीचे से, और ऊपर से ले लिया इन्वर्टर के लिए। प्लांट पूरा रेडी है, अब आपको बस टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसके हमने क्या क्या सेटिंग कर रखा है और इस पर हम क्या क्या लोड चलाने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल जो होटल है वो रन नहीं है, अभी इसमें जो लोड है वो मैनुअल लोड अभी टेस्ट करके इनको दिखाएंगे, बाद में इनका वायरिंग होगा तो पूरा जुड़ जाएगा, उसी तरह से उसमें जुड़ता चले जाएगा, जैसे कि एक्सपोर्ट के थ्रू लोड चलाएंगे और बैटरी के थ्रू लोड चलेगा, लेकिन जो इसके थ्रू जो लोड चलेगा वो कंट्रोल्ड होगा, लगभग 15 से 20 किलोवाट के अंदर में होगा, लेकिन जो यहाँ से पावर एक्सपोर्ट करेगा उसके अंतर्गत में हम लोग सिटी लगाएंगे, या सिटी से पहले लोड कनेक्ट करके जो पावर एक्सपोर्ट होगा उसका यूज करके यहाँ पे लोड चलाना है, वो भी इनको करके टेस्ट करके दिखलाएंगे।
तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और फिर रिव्यू भी लेंगे, आपको पता चलेगा कि ये प्लांट इनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा और हम लोग कैसे कैसे इंस्टॉल किए हैं। सोलर का कनेक्शन तो हमने अप्रोप्रिएट वे में ले ही लिया है, एकदम नंबरिंग वाइज लिया है ताकि कभी भी कुछ चेक भी करने आए तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद जो आउटपुट का वायरिंग है और इनपुट का वायरिंग है, तो उसके लिए इनपुट आउटपुट का आपको यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं दिख रहा बिकॉज इसके लिए पैनल बनाया गया है, ठीक है, चूँकि यहीं से लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा वहाँ पे, और यहीं पे सीटी लगाएंगे चूँकि एक्सपोर्ट के थ्रू हमें लोड चलाना था इसलिए हमें पैनल बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे पैनल बॉक्स लगा है। और यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, आपको दिखलाते हैं। तो इस तीनों इन्वर्टर को जो सप्लाई गया है ग्रिड का और यहाँ से जो आउटपुट आया है उसके लिए जो पैनल बॉक्स बनाया गया है वहाँ पे आपको ले चलते हैं। तो यहाँ ये ग्रिड से सप्लाई आया है, ठीक है, और ये आ गया है अपने इस तरफ चेंजर में, ये चेंजर है, चेंजर का जो इनपुट साइड है, तो ये जो आपको इधर दिख रहा है वहाँ पर ग्रिड इन हो गया है। और यहाँ पर जो इस सोलर का जो इन्वर्टर है इससे तीनों का जो वायर आया, चूँकि पैरेलल करना है तीनों का फेज मिला करके, देख रहे एक साथ तीन तीन वायर यहाँ पे है, तो तीनों वायर को एक एक फेज में डाला, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, मतलब इस तरह से आर वाई बी एन एन तीनों का नॉर्मल लोड का एक जगह यहाँ पर इनपुट डाल दिया, ये लोड है और फिर वो ग्रिड का इनपुट है, और फिर यहीं से एक वायर यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉमन होकर आ गया है अपने इस एमसीबी बॉक्स में, फिर यहाँ से हम इन्वर्टर के लिए सप्लाई ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन तीन तार दिख रहा होगा, तीनों इन्वर्टर का तार है, और यहाँ जो हमने वायर यूज किया है ये वायर है 10 mm का, 10 mm एंड 16 mm, ठीक है, थोड़ा तार कम पड़ गया था तो उसमें हमने 16 mm यूज किया है, बाकी सभी के सभी 10 mm का तार है, ठीक है। और यहाँ पे सब कलरिंग मैंने मार्किंग करके कि कौन सा किस कलर का है, ठीक है, आर वाई बी एन करके मार्किंग कर लिया है, और प्रॉपर तरीके से तीनों का यहाँ पे, यानी कि तीनों का सप्लाई एक जगह से गया और तीनों का आउटपुट भी एक जगह आ गया, इस तरह से ये पैरेलल हो गया है। तो ये तो मैनुअली पैरेलल हो गया, वायरिंग का पैरेलल हो गया, लेकिन अब सेटिंग में भी पैरेलल करना पड़ता है, वो आपको दिखलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सब वायरिंग हो गया, अब आपको चालू करके दिखलाते हैं, फिर उसमें चलेंगे सेटिंग में, ओके। चूँकि अब हमारा सारा सिस्टम रेडी है और हमको बता भी दे कि कैसे कैसे हमने वर्क किया हुआ है, तो अब हम चलते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक। ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, जो पहले मेन बैटरी है उस मेन बैटरी को पहले ऑन करते हैं, इसे ऑन कर दिए, थोड़ा रिलैक्स होंगे, पहले इसे रेडी होने देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये ऑन हो गया है, अब इसको भी ऑन कर लेते हैं सबको, अब नंबरिंग वाइज ऑन करते चलेंगे और धीरे धीरे थोड़ा रुक रुक कर, अब ये ऑन हो गया, रेडी हो गया, फिर इसको ऑन कर लेंगे, ये चौथा बैटरी हो गया, फिर अभी इसे ऑन कर लेंगे, ये रेडी हो गया, सबका एडर हमने ऑन कर रखा है, मतलब पैरेलल में सेटिंग कर रखा है, अब इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ कम्युनिकेशन केबल लगाना है, बाकी ये रेडी हो जाएगा। वो भी कम्युनिकेशन केबल इसलिए लगाना होता है ताकि इन्वर्टर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, उसका BMS उसमें दिखे, बाकी उसका सेटिंग जो है बैटरी के साथ हो रखा है लिथियम में, ओके, उसके लिए कम्युनिकेशन मेन केबल हमने लगा रखा है, बाकी और कुछ करना नहीं है। अब हमारा ये जब बैटरी रेडी हो गया देन क्या करना है, तब आना है इन्वर्टर के पास, और इसको हमने मेन बनाया हुआ है तो इसको मेन पे, मतलब इसको हमने मास्टर बनाया हुआ है, अब मास्टर को ऑन करेंगे। तो उसे ऑन करने के लिए हमें पहले क्या करेंगे, चूंकि सोलर कनेक्ट हो रखा है तो अगर सोलर नहीं रहता, अगर रात रहता तो हम डायरेक्टली ये पुश बटन को ऑन करते हैं, इसे ऑन कर लेते, ठीक है, चूँकि ये प्राइमरी सोर्स अपने पास बैटरी है, लेकिन चूंकि अभी अपने पास सोलर है तो सोलर को, ये जो सोलर का स्विच है इसे हम पहले ऑन करेंगे पहले वाले को, ठीक है। फिर ये स्लैब 1 एंड स्लैब 2 तीनों का हमने ऑन कर लिया, थोड़ा इंतजार करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है, कितने देर में ये रीडिंग शो कर रहा है, तो लगभग 10 से 15 सेकंड लेगा, शो कर देगा, ओके। बैटरी का इन्फॉर्मेशन आ गया, ये दिख रहा है M1 बनाया हुआ है मैंने इसे, और बैटरी कितना परसेंट है, 63% बैटरी है, ओके, ये M1 है। क्या दिखा रहा है, बैटरी कनेक्शन अलार्म, चूँकि अभी बैटरी कनेक्ट हुआ है जस्ट इसलिए वो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। इसमें भी S2 मतलब स्लैब 2 और ये स्लैब 3 मतलब थर्ड बैटरी है, थर्ड इन्वर्टर है, इसलिए अभी हमारा इन्फॉर्मेशन रेडी हो गया, बैटरी का कनेक्टिविटी हो गया इसमें, अब सोलर का भी हो गया होगा, हाँ सोलर का भी हो गया है, चलो ठीक है, सोलर का भी कनेक्टिविटी, इसमें भी चेक कर लेते हैं सोलर कनेक्टिविटी, तो इसमें एक है 602 वोल्ट जो 13 का स्ट्रिंग है, और इसमें है 609 वोल्ट, मतलब मात्र कितना 7 वोल्ट का डिफरेंस है, चूँकि वायरिंग की वजह से डिफरेंस होगा, लेकिन लगभग सेम है, एम्पियर में उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा पीवी जो है 555 वोल्ट है, और इसमें 559 वोल्ट है, उसमें भी 4-5 वोल्ट का डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, और इसमें चूंकि एक स्ट्रिंग का काम चल रहा है तो इसमें भी लगभग 1 वोल्ट का डिफरेंस है, मतलब ये भी स्ट्रिंग सब सही है। अब जब स्ट्रिंग सब चेक हो गया, चूँकि हमारा सब रेडी है, तो क्या करेंगे, अब इन्वर्टर को इसे स्केप मार के देख लेना है, और ये पुश बटन मास्टर 1 का, मास्टर जो है उसका पुश बटन ऑन करेंगे, अब सबको पुश बटन से ऑन कर लेंगे, अब थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा।
अब पुश बटन से जब ऑन किए तो ये ऑन दिखा दिया, बट ये ऑन हुआ नहीं है जब तक ये कट कट मार के नॉर्मल ऑन ना हो जाए। जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये लोड सप्लाई नहीं देगा या चार्ज शुरू नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा इंतजार करना है सबका। ये ऑन तो दिखा दिया लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब कितना देर में लेता है वो देखना है। कट मारना शुरू किया, अब ये रेडी होना शुरू हो रहा है, देख रहे हैं बैटरी का मार्किंग जो है आ गया। अब थोड़ा देर में सोलर का ही मार्किंग आ जाएगा, नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब ये कट मारना शुरू किया, अब देखिए ऑन ले लिया, ठीक है, सोलर का प्रोडक्शन ऑन हो गया। जैसे ही कट मारा तीनों ऑन हो गया होगा, देख लेते हैं। यहाँ से 2.46 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है एक से, अब इससे देख लेते कितना मिल रहा है। इससे 1 बढ़ रहा है, मतलब इससे भी 2 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है, और इसमें 1 किलोवाट का होगा, हाँ इसमें भी 1 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है, ठीक है। चलिए जनरेशन इसमें इक्वल हो गया, ये लगभग 2.5 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है। इसमें दोनों में एम्पियर चेक कर लेते हैं, तो इसमें ओके ठीक है, सब में बढ़िया जनरेशन मिल रहा है। जिसमें थोड़ा क्योंकि धूल कण पड़ा हुआ है, थोड़ा गंदगी है, वो गंदगी हटेगा तो और भी अच्छा खासा जनरेशन मिलना शुरू होगा। तो यहाँ से आपका इक्वलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमारा पूरा जो सोलर है पूरा रेडी है। अब हमें चेक करना है कि इसका जो हमने पैरेलल किया वो कैसे किया, उसका थोड़ा आपको झलक दिखला देते हैं। तो ये सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जा करके एडवांस सेटिंग में गए और उसके थर्ड पेज में गए, ठीक है। थर्ड पेज में यहाँ जो मास्टर लिखा हो चुकी है, इसे हमको मास्टर बनाना है, तो मास्टर पर क्लिक करके पैरेलल क्लिक करके यहाँ पर वन कर देना है, वही किया हमने और कुछ ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। इसको हमने मास्टर बनाया हुआ है, देख लिए, सेव करके बाहर निकले हुए हैं। उस तरह से इसको स्लैब बनाया हुआ है, स्लैब 2। एडवांस में गए, सेकेंड में चेक कर लेते हैं, स्लैब 2 है, पैरेलल ओके है। इस तरह से ये पैरेलल हो गया है, इसको देख लेते हैं। ये स्लैब 3 हो गया, ये मास्टर असल स्लैब 3 है, ओके। इस तरह से ये पैरेलल सेटिंग हो चुका है। अब इसमें कुछ सेटिंग और रहता है, जैसे मास्टर में गए और जेन पोर्ट में अगर हमें स्मार्ट लोड ऑन करना होता तो इसको इसका सेटिंग करते हैं, क्योंकि इसका इसको करना नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट लोड चलाना नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ऑन नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग बाहर निकल जाना है, कुछ करना नहीं है। अब आता है बैटरी सेटिंग में, चूँकि लिथियम बैटरी कनेक्ट है और लिथियम सेलेक्ट करने के बाद, चूँकि यहाँ पर 600 एम्पीयर का बैटरी है, तो 600 एम्पीयर चार्ज करना है 100 एम्पीयर से, एंड डिस्चार्ज मैक्सिमम जितना एम्पीयर हो सके, तो 240 ही मैक्सिमम गया है, ठीक है। एक्टिव सेट करके बाहर निकले हुए हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि और कुछ सेटिंग किया है क्या, तो हाँ किया है, यहाँ पे 80% एंड 80 एम्पीयर स्टार्ट होना चाहिए, ये किया है। बाकी सारा का सारा सिग्नल हटा दिया, बस ग्रिड चार्ज होना चाहिए इसलिए रखा हुआ है। फिर बैटरी में जाकर देख लेते हैं, तो यहाँ पे सभी के सभी जो है 10% पे ही है, 10% इसमें सेव रखना है, बाकी सबको हटा दिया है, 10% के अलावा इसमें नहीं रहना चाहिए। तो 10% पे ही शट डाउन, लो और रीस्टार्ट भी दे दिया है, ठीक है। अब इसमें कोई सेटिंग नहीं। अब आता है ग्रिड सेटिंग का, मेन वही होता है। तो ग्रिड सेटिंग में अगर हमें चेंज करना है, चूँकि 3 फेज है, कभी भी थोड़ा वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे इस पर टच करके इसको हमने अप किया हुआ है, ठीक है। कितना है, 420 वोल्ट एसी है, ओके। अब अगर और उसमें क्या सेटिंग किया है, तो इसमें और एक सेटिंग होता है कि जो ग्रिड आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो कितना रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लो हो जाता है तो यहाँ ग्रिड कट हो जाता है। लेकिन अगर ये होटल है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी लो हुआ और लाइट कट कर दिया, मतलब इन्वर्टर लाइट लेवे नहीं करेगा, ग्रिड लेवे नहीं करेगा, तो लोड पूरा बंद हो जाएगा रात में। इसलिए यहाँ पे लो सेटिंग जो है वो 45 पे किया हुआ है और हाई सेटिंग कितना है 65 पे, और इसी के बीच में जनरली फ्रीक्वेंसी रहता भी है, और इस तरह से सबका सेम है। और लो वोल्टेज भी यहाँ पे कितना सेट किया है, 120, क्योंकि 120 तक ले यहाँ रहेगा, चूँकि यहाँ पास में ग्रिड सेंटर है। और जो हाई है उसको हमें 300 करना है, 300 ही रखना है, हाई वोल्टेज जो है 300 रखना है, मतलब पूरा फुल रखना है, 300 कर दिया। उसके बाद बाकी सभी का सेम सेटिंग करना है, इसके अंदर में सेटिंग करके निकल गया, ओके। और इसमें कुछ सेटिंग नहीं है, उसका और चेक कर लेते हैं कुछ और सेटिंग है क्या। हाँ, यहाँ भी वही जो हाई है और लो है सब सेम, जैसा पहले किया वैसे यहाँ कर देना है, उसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करना है। अब सारा सेटिंग है, उसके बाद अगर कुछ बेसिक सेटिंग में कुछ रह जाएगा तो चेक कर लेना कि कुछ और करना है क्या, जैसे कि यहाँ पे इसका टाइम और डेट चेंज करना है क्या, तो यहाँ पे सब सेटिंग मैंने पहले ही कर दिया, ये ओके है। अब दूसरे में चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है क्या, तो देख लेते हैं, हाँ है, सब सेटिंग ओके है। जैसे इसमें सेट किए, बाकी सब में सेटिंग चेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं टाइम एंड डेट, बस इसमें टाइम का गड़बड़ है, तो इसका टाइम चेंज कर देंगे, चूँकि अभी 8 बज रहा है तो 8 पे ही करना है। 8 बज के कितना मिनट है, 43 मिनट है, तो उसको हम 44 करेंगे, इसको हम माइनस कर देते हैं, सबसे जल्दी आ जाएगा, 44 करना है, इसको हम 44 कर दिए, 8 बज के 44 मिनट, ओके।
डेट सब सही है, अभी वो मैच कर गया। इसका भी चेक करते हैं, इसमें भी गड़बड़ है। बेसिक सेटिंग 8:44 ओके 44 सेट बाहर निकल गए, अब सब सेट है। ओके इस तरह से सारा कुछ सेट हो गया, अब हमें कुछ और सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सेटिंग काफ़ी है। अगर हमें स्मार्ट लोड ऑन करना होता तो स्मार्ट लोड सेट करते, बाकी अपना सब रेडी है। अब बस चेक करना है कि अगर सोलर रहता है तो क्या ग्रिड से भी चार्ज लेगा, क्योंकि अभी जितना पावर चार्ज करने में लग रहा है बैटरी को उतना अगर सोलर से मिल रहा है तो क्या ग्रिड लेगा, और ग्रिड का कनेक्टिविटी हुआ या नहीं हुआ वो बस देख लेना है। तो अभी ऑन करके देख लेते हैं, अभी यहाँ पे ग्रिड आया हुआ है, आइए अब यहाँ से ग्रिड को ऑन करते हैं। ऑन किया ग्रिड को, देखते हैं ग्रिड आया कि नहीं। हाँ ग्रिड आ गया, ठीक है, ग्रिड समेत दिखा दिया, एसी ऑन दिखा दिया। बट ये इसमें टाइमर है, वो उतना टाइम के अंतराल के बाद ही लेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी से लेने में टाइम लगता है। तो देखते हैं कितना देर में कनेक्टिविटी लेता है, बस ग्रिड इसमें हम ऑन करके देना है, बाकी पावर कितना कंज्यूम कर रहा है ग्रिड से वो भी देखना है कि सोलर से ही पूरा बैटरी चार्ज कर रहा है। ओके अब ग्रिड तो यहाँ पे नॉर्मल कर दिया, देख रहे क्रॉस हट गया, अब देखते हैं कि ग्रिड से प्रोडक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा, ग्रिड से नहीं ले रहा। ओके ग्रिड से नहीं ले रहा है, जो मतलब सोलर से प्रोडक्शन आ रहा है वही इन है बस, मतलब अपना सोलर ही कैपेबल है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ग्रिड तो ऑन तो दिखा दिया लेकिन पावर नहीं ले रहा है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ग्रिड से पावर नहीं ले रहा है, सब कुछ ऑन तो है लेकिन पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है ग्रिड का, बस यही चाहिए था और वो ओके है। ठीक है ये हमारा टेस्टिंग ओके हो गया, अब हम इसे बंद कर लेंगे। अभी जो टाइम है वो है 11:23, बैटरी अपना चार्ज हो गया है 99%, ठीक है लगभग अपना बैटरी समझिए चार्ज हो ही गया, 99% हो गया है। इसका BMS का चेक कर लेते हैं, इससे एक ही बैटरी जुड़ा हुआ है इसलिए एक बैटरी का ही यहाँ BMS में दिखा रहा है। ओके अब हम इससे और बैटरी जोड़ते जा रहे हैं, अब देखते हैं। तो अब यहाँ से RST का जो A है, ये जो A है इसके A से इसके B में कनेक्ट करना है, दूसरे वाले बैटरी को जिसमें जोड़ना है उसके B में कनेक्ट करना है। अब हमारा जब कम्युनिकेशन केबल सबका लग गया है, सभी बैटरी का जब कम्युनिकेशन केबल प्रॉपरली लगा दिए हैं, तो देखते हैं BMS फेच किया या नहीं किया। तो BMS जो है अपना फेच कर लिया है, डिस्चार्जिंग 992 एम्पियर एंड चार्जिंग 378 एम्पियर अब, और वोल्ट तो सेम ही रहेगा। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए हैं और अभी आके फिर से एक बार, चूँकि ये इतना बड़ा प्लांट लगा था तो एक दिन और स्टे करके पूरा रनिंग करके इनको रात भर दिखला करके और अभी चेक करने आए कि क्या कुछ दिक्कतें आई हैं। तो इनका कहना है कि रात में बैटरी बंद हो गया था, तो हम बोले कि अगर बंद भी हो जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। और वही देखने आए हैं तो देखे हैं कि ये पूरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया था, बैटरी जीरो हो गया था, देख रहे हैं अभी 11% से। कल शाम को जो हम लोग गए यहाँ से तो अपना जो बैटरी था वो पूरा 100% चार्ज था, लेकिन अभी हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि 10% बैटरी है, मतलब कि जब हम लोग यहाँ चेक करने आए हैं अभी 7:30 बजे तो देखे हैं कि 10% चार्ज हो रखा है, मतलब रात में बंद हुआ होगा। इसका मतलब कि एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया है और फिर से ये चार्ज कर रहा है, तो ये अच्छा भी है बैटरी के हेल्थ के लिए भी कि एक बार डिस्चार्ज और चार्ज होना ज़रूरी है। अब फ्रेश हो गया है पूरा प्लांट और अभी देख रहे हैं कि 7:30 बजे इस एक इन्वर्टर को 1 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है, मतलब सब पे उतना ही होगा, इसमें भी 1 किलोवाट है, मतलब दोनों पे सेम है, और इस पे आधा किलोवाट है, चूँकि अभी एक स्टिंग बाकी है, अभी उसको हम जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है अभी जो लोड चल रहा है वो सब सोलर से ही चल रहा है और बैटरी को अभी चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, 8 बजे तक बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 2.5 किलोवाट का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट होकर के कस्टमर को सेटिस्फाई करके हम लोग भी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी जो लोड चल रहा है इनका कितना चल रहा है, 5.5 एम्पियर का एवरेज लोड, मतलब एक फेज में 3.5 एम्पियर है, दूसरे फेज में 1.5 एम्पियर है, और तीसरे फेज में कितना है देख लेते हैं, तीसरे फेज में भी 11.6 एम्पियर है, मतलब तीनों में अनबैलेंस लोड है, लेकिन ये इक्वली चला रहा है, एकदम इजीली चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और हमारा पूरा रनिंग और टेस्टिंग ओके हो गया है। इसको जब चेक किए थे तो ये एक लाइफ साइकिल दिखा रहा था और अभी चेक करें, चूँकि एक लाइफ साइकिल पूरा आज कंप्लीट हो गया, पूरा चार्ज होकर डिस्चार्ज हो गया है, तो अभी चेक करते हैं कितना लाइफ साइकिल आज दिखा रहा है। अभी लगभग सभी में चेक करेंगे कि कितना लाइफ साइकिल दिखा रहा है। ठीक है तो उसके लिए मेनू में गए, उसके बाद इंटर पर गए, उसके बाद सेल वोल्टेज में जाएंगे, सेल वोल्टेज इंटर किए, उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, ठीक है डाउन तो देख रहे हैं दो लाइफ साइकिल, मतलब कल एक लाइफ साइकिल था और अभी ये दो लाइफ साइकिल हो गया है। ओके अब इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना है, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, मेनू में गए, BMS पैरामीटर में गए,
उसके लिए इंटर डालेंगे। फिर अब डाउन 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 सेल पे गए, सेल वोल्टेज, फिर डाउन 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 चेक कर लेते कितना है, ये भी दो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है। उसी तरह से तीसरा को चेक कर लेते हैं या फिर चौथा रैंडमली चेक कर लेते कोई भी एक, मतलब सबका वही सेम ही होगा। तो फिर से बैटरी पैरामीटर BMS में गए, सेल वॉल्यू सेल वोल्टेज में गए, फिर से इंटर, अब डाउन 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 दो लाइफ साइकिल, मतलब सभी के सभी दो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ये अपना बैटरी पूरा फ्रेश हो गया एक तरह से। अब जियो लोड चल रहा है, अब जैसे कि 4:30 दिखलाया था प्रोडक्शन कितना मिल रहा था 1 किलोवाट का, अभी 7 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है तो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है, 350 वाट का प्रोडक्शन बढ़ गया है। मतलब धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब अपना सारा सिस्टम बिल्कुल रेडी है, फ्रेश है। ओके, और ये चेंजर ही ऑटो मोड में है, देख रहे हैं ये ऑटो मोड ऑन है और ये ऑटोमेटिक पे है। अगर जब ये फेलियर होगा, ये प्लांट फेलियर होगा तो ऑटोमेटिक वो ग्रिड पे चला जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ एकदम प्रॉपरली सेट करके रख दिया है। वहाँ पे साइडों का जो दिक्कत आ रहा था तो उसके लिए वहाँ से जो 6 पैनल जो रिमूव किया, तो ये तो पहले से 3 लगा ही लिए थे, लेकिन वो जो 6 आया तो 3 यहाँ पे लगा लिए और 3 यहाँ पे लगा लिए, बाकी और तो कोई जगह है नहीं कि वहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो जगह आपको खाली दिख रहा है वो इसके लिए कि इधर से उधर जाना और फिर उधर भी सोलर लगेगा बाद में, और इसके ऊपर जाकर के टंकी की साफ़ सफाई करने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, साइड से जगह छोड़ नहीं सकते क्योंकि धोखा हो जाएगा, इसलिए हमने बीच में जगह छोड़ा है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को ही 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है, और इसका पाइपिंग इस तरह से कर दिया, इस पर सिविल वर्क हो जाएगा। मतलब हमारा वायरिंग जो है, जो सोलर है इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। रिप्लेस किए थे उसका अभी हम पूरा कनेक्शन कर लिया, उसका VOC चेक कर रहे हैं, तो VOC पूरा करेक्ट है, मतलब अपना कनेक्शन सही हो गया। ठीक है, 571 वोल्ट। ओके, सर धूप निकला है, थोड़ा सा धूप है मात्र, टेम्परेचर नहीं है, बस थोड़ा धूप निकला है, तो जनरेशन दिखलाते हैं। तो भी जनरेशन कितना आ गया, 5200 वाट आ गया एगो में से, मतलब एक से 5200 वाट है, दूसरे से इससे भी 5100 वाट है, मतलब सब में सेम जनरेशन है। इसमें तो ज़्यादा ही, इसमें तो 5.5 किलोवाट है, इसमें ज़्यादा ही आ रहा है, जो भी उधर लगाया ना शिफ्ट करके, तो उधर पैनल साफ है इसलिए इसमें जनरेशन ज़्यादा ही आ रहा है। देख रहे, इसमें 5.5 किलोवाट है, इसमें 5100 वाट है, इसमें 5200 वाट है, मतलब कितना किलोवाट हो गया, 15.5 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है। एक वर्क लास्ट रह गया है, वो है कि सिटी के थ्रू लोड चलाना, तो उसी का हम लोग अभी कनेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे कि तीनों फेज का तीनों इन्वर्टर से, मतलब टोटल 9 सिटी यहाँ पे लगाएंगे इनपुट साइड में, क्योंकि यहीं से लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सभी जगह का, तो यहाँ पर जो इनपुट पॉइंट है उसी में हम लोग सिटी लगाएंगे, वही आपको दिखलाएंगे। ठीक है, लोगों के मन में एक बात का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या इसमें फ़ैन है या नहीं है, तो अभी आप अबाउट तो इस इन्वर्टर का साउंड सुन सकते हैं, मतलब इसमें फ़ैन है और वो साउंड कर रहा है, मतलब अगर ये हीट होगा, अगर ये थोड़ा सा भी हीट होगा तो ये साउंड करेगा, मतलब फ़ैन जब रन होगा तो साउंड करेगा, इसलिए साउंड करता है, लेकिन जब इसको बंद कर देंगे तो वो साउंड पता नहीं चलता है, मतलब साउंड प्रूफ हो जाता है, लेकिन अभी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तीर का निशान है, ये रहेगा मीटर की तरफ, तो इसको डाउन है, ये कितना नंबर डाले हैं, ये कितना है, 2 नंबर है, मतलब ये वाई है, तो वाई में डालिए, तीर का निशान नीचे है। ओके, 1 नंबर 1 हो गया, फिर ये 2 नंबर है, ये भी डालिए वाई में, वो तीर के अनुसार नीचे, हाँ डालिए, ऊपर टच नहीं होइएगा, ठीक है डालिए। 3 फेज का कनेक्शन है और हमारे पास 3 इन्वर्टर है, तो 3 इन्वर्टर का 1-1 CT है और हर फेज का 1-1 CT है, मतलब टोटल 9 CT हो गया, और उसका जो एरो है वो मीटर की तरफ है, यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। उसके बाद ये जो वायर आ गया वो इस तरह से हर इन्वर्टर में 1-1 यानी 3-3 वायर आ गया, ठीक है, 1-2-3 1-2-3 सभी में, माने तीनों फेज के लिए आ गया। अब इन्वर्टर में कनेक्शन कैसे करना वो दिखलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिटी का कनेक्शन वो कहाँ पे करना है, ये जो एरो दिया हुआ है इसी एरो पे करना है, लेकिन करना किस तरह से है, तो 1 और 2 जो है, ये जो 1 और 2 है ये है टेम्परेचर सेंसर लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है यहाँ तक, इसमें सिटी सेंसर लगाना है, मतलब सिटी सेंसर का वायर लगाना है, ठीक है, मतलब 3 से स्टार्ट करके 8 तक लगाना है। ओके, चलिए लगाइए। अब ये नंबर 1 जो है, ये CT नंबर 1 का, इसमें एक वाइट टायर है और एक ब्लैक तार है, तो इसमें वाइट को क्या करेंगे, नंबर 3 पर डालेंगे और ये जो ब्लैक है उसको डालेंगे नंबर 4 पर, उस तरह से इसको प्रेस कीजिए, चलिए चलिए पकड़िए, हो जाएगी, पहले प्रेस कीजिएगा, नहीं तीसरे डालना है, ऐसे डालना है इसे, पहले प्रेस कीजिए तीसरे नंबर को, हाँ डालिए कस के, टू से कस के, हाँ छोड़ दीजिए, हो गया। इस तरह से अगला वाला भी प्रेस करके छोड़ दीजिए, हो गया, 3-4 मतलब CT1 का कनेक्शन हो गया,
मतलब ये रेड वाला हो गया, ठीक है। तीनों में सिटी का कनेक्शन जब हमने कर लिया है तो इस तरह से पूरा जब कनेक्शन जब पूरा रेडी है तो फिर तीनों में सेटिंग चेक कर लेना है कि सेटिंग हमने कर रखा है या नहीं। तो सिटी के जीरो एक्सपोर्ट टू लोड ना करके हमने जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी करना है, तो हमने कर लिया और इसको सेव करके निकल गए। अगर यहाँ जैसे मैंने सेटिंग कर दिया इसका मतलब सभी में सेटिंग सेम हो गया होगा, क्योंकि वो मास्टर था, सब में सेटिंग हो गया सेम टू सेम। इसमें भी चेक कर लेते हैं तीसरा में, हाँ इसमें भी हो गया है, मतलब अब सेटिंग सब इक्वल हो गया, मतलब जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी का भी लोड हमने कर लिया है। अब बस यहाँ से ग्रिड ऑन करेंगे और इनको लोड चला के दे देंगे, ठीक है। और वो आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, चूँकि अब इनका लोड अभी जुड़ा नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू।